हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों तीन ट्रिक से आप लोग सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर भी मैं डिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, सेकेंड चैनल को सपोर्ट कीजिए पूरे भरपूर तरीके से। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग तीन ट्रिक्स से आप लोग सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। आप सही सुने हैं दोस्तों, आप तीन ट्रिक से सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएँ, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा वो तीन ट्रिक है जो कि आप यूज करके आप वहाँ पे सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। छतरी को जब लगाते हैं तो वहाँ पे ये तीन ट्रिक अवश्य यूज कीजिए। नया छतरी लगाते हैं या पुराना, जो भी छतरी लगाते हैं पुराना या नया, तो आपको तीन ट्रिक को यूज करना है। आपको ध्यान रखें, तीन ट्रिक को आपको यूज करना है, तभी आपका सिग्नल बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। और सिग्नल में कोई भी कमी नहीं रहेगी, कट कट के भी पिक्चर नहीं चलेगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कैसे आप लोग उस सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए छतरी की तरफ चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसे आप लोग तीन ट्रिक से यूज कर सकते हैं सिग्नल पूरा भरपूर। तो चलिए छतरी की ओर चलते हैं। अब फाइनली दोस्तों देख सकते हैं, हम अपने छतरी की तरफ आ गए हैं और ये डीडी फ्री डिश पे सेट है। तो दोस्तों, आज मैं इस तीन ट्रिक के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले नंबर वन दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये स्टैंड को 90 डिग्री के एंगल पे सेट होना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं ये वाला, ये 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रहेगा तो आपका सिग्नल 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा सिग्नल। दोस्तों, ये जो कि आप देख सकते हैं स्टैंड छतरी का, नया छतरी लगाते हैं तो इसको 90 डिग्री के एंगल पे लगाना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया एक नंबर ट्रिक। दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखें, नया छतरी लगाते हैं तो इसे ध्यान में रखें। और दोस्तों, दूसरा नंबर कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपके आसपास पेड़ पौधा ना हो तभी आप, ये दो नंबर ट्रिक है दोस्तों। जब भी आप छतरी लगाने से पहले छतरी को कस लीजिए, स्टैंड को ऐसे ही रहने दीजिए और इस छतरी को इधर उधर करके मतलब देख लीजिए कि यहाँ पर सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये दूसरा नंबर ट्रिक है। जब भी छतरी को लगाएंगे तो आपको सबसे पहले छतरी स्टैंड को छोड़ देना है, छतरी को उठा लेना है हाथ में और इधर उधर करके देख लेना है कि यहाँ पे सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, गाछ वृक्ष रहेगा, पेड़ पौधा, तो आपको ऐसे ही करके लगाना पड़ेगा, हाथ में लेकर इधर उधर करना पड़ेगा, तब आपका सिग्नल आ जाएगा तो सही है। नहीं आया तो दूसरे जगह पर आप उसे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया दूसरे नंबर ट्रिक। दोस्तों, तीसरे नंबर ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, जब आपका छतरी सेट हो जाए, मान लीजिए सेट हो गया और 20-25 सिग्नल आ रहा है, जैसे कि आप लोग हमारे मीटर में देख सकते हैं, यहाँ पे हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं 23-24 सिग्नल दिखा रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीपी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो आपका 14-15 सिग्नल आ रहा है। तो तीसरा नंबर ट्रिक आप यूज कीजिए। दोस्तों, तीसरा नंबर ट्रिक है स्क्रू एंगल। किसी भी डिश को सेट करेंगे, डीडी फ्री डिश, एयरटेल और डिश टीवी वगैरह, जो भी आप सेट करेंगे तो उसके पहले आपको स्क्रू एंगल, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये डीडी निशान दिखाई दे रहा है, इसे स्क्रू एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे छतरी लगा देना है और ऐसे एडजस्ट करके देखना है, ऐसे नचा कर। तो जैसे ही हम नचाएंगे, देख सकते हैं पहले इतना है, देख सकते हैं इसे हम इतना कर देंगे, देखते हैं सिग्नल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो देख सकते हैं, छतरी मैंने नहीं हिलाया और 54% सिग्नल बढ़ गया। ऐसे ही करके आप इसे एडजस्ट कर लेना है। ये हो गया तीसरा नंबर ट्रिक। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको तीन ट्रिक सीखने को मिल गया। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल चुकी है। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद।